हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं तवा टिक्का बोटी। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस ये बन के तैयार होता है। और आप देख पा रहे होंगे कितना ज़बरदस्त और बढ़िया से ये हमारा टिक्का बना है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा, चलिए देखते हैं और बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मटन। मैंने यहाँ पर ये 1 किलो मटन लिया है, जिसको मैंने खूब अच्छे से धो के साफ़ कर लिया था और फिर मैंने इसको छन्नी के अंदर रख दिया था ताकि इसके अंदर पानी ना रहे। अब हम इसके अंदर करीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये 1/3 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून यहाँ पर हम जीरा पाउडर डाल देंगे, 1/4 टीस्पून यहाँ पर हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/3 टीस्पून यहाँ पर हम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, इससे इसका कलर अच्छा आ जाएगा, और 1 टीस्पून यहाँ पर हम चाट मसाला डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला भी डाल सकते हो। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे ये पपीते का पेस्ट। तो यहाँ पर ये मैंने 2 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट लिया है, इससे हमारा जो टिक्का है वो बहुत ही जल्दी और बढ़िया सा गल जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर विनेगर डाल सकते हो, फिर आपको ये ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर विनेगर डाल दिया है। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे बेसन। तो मैंने यहाँ पर ये 2 टीस्पून भुना हुआ बेसन लिया है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे 2 टेबल स्पून दही। दही हमारा पतला नहीं होना चाहिए, एकदम गाढ़ा दही है, तो मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर ये दही डाल दिया है। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे नमक। तो यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से हम नमक डाल देंगे। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप विनेगर की जगह नींबू का जूस भी डाल सकते हो। अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको खूब अच्छे से मिक्स कर देना है। हम इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है, पर मैं इसके अंदर 1 टीस्पून ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई, जो मैंने अब डाल दिया है। वापस से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको खूब अच्छे से कवर कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर मटन को खूब अच्छे से कवर कर देंगे और इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर। और यहाँ पर हमारे मटन को फ्रिज के अंदर रखे हुए 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं। मटन हमारा खूब अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, तो ये मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है। तो यहाँ पर हम इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम हाई रखा हुआ है। तो यहाँ पर इसको खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम यहाँ पर डाल देंगे पानी, क्योंकि हम इसको खूब अच्छे से गलाएंगे, पकाएंगे। तो यहाँ पर हम 1 गिलास पानी डाल देंगे इसके अंदर। अगर आपके पास कच्चा पपीते का पेस्ट नहीं है तो फिर आपको मटन को कुकर के अंदर डाल के खूब अच्छे से गलाना है। गलाने के बाद तवे पे डालिएगा और खूब अच्छे से इसको भून लीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब हम इसको ढककर पकने देंगे, खूब अच्छे से गल जाने देंगे। और यहाँ पर ये हमारा मटन खूब अच्छे से गल चुका है, भुन चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बढ़िया सा ये हमारा टिक्का बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा स्मोकिंग फ्लेवर दे लेंगे। तो स्मोकिंग फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी रख दी है, इसके अंदर एक दहकता हुआ कोयला रख दिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे, छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। और यहाँ पर ये हमारे टिक्के को रखे हुए 5 से 6 मिनट हो चुकी है। तो ये हमारा टिक्का बिल्कुल तैयार हो चुका है, जो बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त बना है। ये देखें, यहाँ पर हम इसको टमाटर से, खीरे से, हरी मिर्च से और नींबू से गार्निश कर देंगे और ये हमारा टिक्का खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसको ज़रूर से बनाएं, ज़रूर से एंजॉय करें। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और इसी तरह की आसान रेसिपी देखने के लिए घंटे पर ज़रूर से क्लिक कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।